नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, बिकॉज कंपनी ने आज अनाउंस किया अपना क्वार्टर रिजल्ट। एंड रिजल्ट के बाद देख सकते हैं इसमें लगभग 6% का उछाल देखने को मिल रहा है, प्लस कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, रिकॉर्डेड एंड स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो चलिए जानते हैं आपको कितना शेयर मिलेगा अगर आपके आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर रहेगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज हम स्टार्ट करेंगे डिविडेंड का अनाउंसमेंट जो कंपनी ने लिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला चीज है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 8 रुपए पर शेयर, 8 रुपीज पर इक्विटी शेयर, यानी एक शेयर के बदले में आपको मिलेंगे 8 रुपए। और उसका रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया, देख सकते हैं नवंबर 20, 20 नवंबर 2023 रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है। सो ये था अबाउट डिविडेंड। उसके अलावा कंपनी ने सब डिविजन और स्प्लिट की बात की है, यानी एक के बदले में आपको आपके पास हो जाएंगे 2 शेयर। तो ये मैं रीड आउट करता हूँ। तो सब डिविजन स्प्लिट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ईच, वैल्यू पेड इंटू 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5 ईच। तो कंपनी का पहले फेस वैल्यू जो था, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 10 का था। अब चूंकि स्प्लिट होगा ये, तो स्प्लिट होने के कारण क्या हो जाएगा, एक के बदले में आपके पास हो जाएंगी 2 शेयर। तो रहता है इसका रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ अबव सब डिविजन स्प्लिट शैल बी डिसाइडेड आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फॉर सब डिविजन स्प्लिट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स थ्रू पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रोसेस एंड विल बी इंप्लीमेंटेड इन ड्यू कोर्स। सो अभी डेट डिसाइड नहीं किया गया, रिकॉर्ड डेट मीटिंग होगी, उसके बाद रहता है डिसाइड किया जाएगा रिकॉर्ड डेट। सो कंपनी का रिजल्ट की ओर मूव करते हो, तो यहाँ देखिए कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया है। यहाँ जो भी नंबर्स रहेंगे रहेंगे आपका लाख में रहेगा, और कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, कंपैरिजन होगा। ये देखिए सितंबर 2022 यानी लास्ट ईयर का रिजल्ट है, ये जून 2023 यानी लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, और जो भी डबल टिक करूंगा वो आज कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया है। ओके, सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन पार्ट। ओके, सो देखिए कंपनी का इनकम चेक कीजिए। देखिए 74,488 लास्ट ईयर था, अभी 1,10,040। समझ सकते हैं क्या जंप है, बहुत बढ़िया जंप है कंपनी के इनकम में, बहुत बढ़िया। ओके, और कंपनी का जून क्वार्टर से कंपेयर कीजिए, 55,000 से बढ़कर के 1 लाख, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है कंपनी का इनकम। देख सकते हैं 1,10,040 है। कंपनी का एक्सपेंस को भी चेक करेंगे, यानी खर्च क्या है। ओके, इनकम तो हो गया, खर्च को चेक करेंगे। तो ये देखिए इनकम लास्ट ईयर एक्सपेंस था 57,988, अभी 84,000, एक्सपेंस भी काफी बढ़कर आया। एंड प्लस लास्ट ईयर एक्सपेंस लास्ट जून क्वार्टर में 42 था, बढ़कर 84 हो गया, यानी एक्सपेंस भी डबल हो गया है कंपनी का। तो एक्सपेंस को जब इनकम को जब माइनस करेंगे एक्सपेंस से, तो कंपनी का आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, लास्ट ईयर प्रॉफिट था 16,499 का, अभी 25,137 का है, और जून क्वार्टर में देखिए 1,077.36 का था। आप समझ सकते हैं काफी बड़ा जंप है कंपनी के प्रॉफिट में, ऑलमोस्ट ये अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूँ क्वार्टरली ये डबल हो गया है, 13,000 से बढ़कर के 25,000, और अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कीजिएगा तो 16,499 से बढ़कर के 25। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है कंपनी का। कंपनी का टैक्स माइनस करने के बाद, यहाँ देखिए टैक्स बताया जा रहा है, तो टैक्स को माइनस जब करेंगे तो टोटल नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखिए टैक्स माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट 11,279 का था लास्ट ईयर, अभी 18,152 का है, और फिर जून क्वार्टर में 9,865 का था, अभी देखिए 18 है। तो कंपनी का रिजल्ट शानदार है, बेहतरीन है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। सिमिलरली कंपनी का अगर हम लोग ईपीएस को चेक कर लेते हैं, ईपीएस का स्थिति क्या है, ये देखिए लास्ट ईयर ईपीएस 8.57 का था, जून क्वार्टर में गिर करके 7.50 हुआ, अभी ये डबल के अराउंड में हो गया है। तो कंपनी का रिजल्ट शानदार है, कंपनी का अनाउंसमेंट है, कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, सब कुछ बढ़िया है। चार्ट जो रहता है, अब जो रहता है इसमें कब ट्रेड इनिशिएट होना चाहिए, देखिए यहाँ पर 1,142.50 के रेंज में यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है। ये जब रेसिस्टेंस टूटेगा तो इसमें फिर से आपको एक शार्प मूव देखने को मिलेगा 1,150। देखिए कई बार यहाँ से रिटर्न हुआ है, इस लेवल को क्रॉस करने देना चाहिए। मैंने इस जगह पे बोला था कि यहाँ पर कोई बाय इनिशिएट नहीं होना चाहिए इस जगह पर, और देखिए वहां से काफी बड़ा फॉल भी आया था। दूसरी बात, दूसरी वीडियो बनाया मैंने, बोला यहाँ पर बाय इनिशिएट को होना चाहिए, बिकॉज अब डेट नजदीक आ गया है। देखिए बहुत अच्छा रिटर्न भी आया, लेकिन इस जगह पर जाने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से ट्रेड करना है। 1150 के बाद जो रहता है फिर अच्छा मूव आएगा, दूसरा रेसिस्टेंस इसके लिए बनेगा लगभग 1250-1260 के अराउंड में, और इसके ऊपर तो फिर तूफानी तेजी देखने को मिलेगा। तो ये था अबाउट कोचिन शिपयार्ड, पॉजिटिव अपडेट कंपनी की तरफ से आ रहा है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आलू का साइनिंग ऑफ, थैंक यू।